तो पढ़ा दिया था हमने ये आपको। अच्छा कंडीशन कंडीशनल आ गया था ना, सिंगम आ गया वो रहेगा। आपका स्कॉलर वाला क्वेश्चन करा दिया था, और 10 से 1000 के बीच कितनी संख्या है, ये हो गया। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल सब क्या है? ट्रायंगल ठीक है। ये कह रहा है कि ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके आदि में टी, आदि में क्या हो, डी हो, और अंत में ई। ठीक है, ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि टोटल लेटर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर। ठीक है, आदि में तो टी होना है, चलो ये तो खत्म हुआ, और अंत में ई, यानी कि जैसे इसमें ट्राइंगल में दिया है ऐसे ही दिया हुआ। बाकी अंदर कितने लेटर बचे, सिक्स, यानी कि हमारे पास कितनी जगह है, छह है। इस जगह पर कितने लेटर आ सकते हैं, सिक्स, पांच, इस जगह पर चार, तीन, दो, एक, यानी कि 6 फैक्टर। 6 5 3, 3 4 12, 12 3 36 2 72, 720 इसका। ठीक है, अब क्या है, अब तक हमने जितने भी इस तरह के ये पढ़े हैं, हमने क्या नाम को इसके परमुटेशन के, इनमें मोस्टली क्या है कि ये लेटर रिपीट नहीं है। अगर लेटर रिपीट हो जाए, सपोज करो मान लिया आगरा, ठीक है, और ये पूछने लगा कि आगरा से टोटल कितने लेटर बनेंगे, टोटल कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे। चार ही अक्षर के बनाने हैं, हमें चार ही हैं। अगर नॉर्मल हो यहां से बी लिखूं मैं, तो क्या आता है, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आता है। लेकिन अगर यहाँ ए आ गया, यानी कि एक लेटर रिपीट 2 बार हो गया, उस कंडीशन में क्या करें। एक ही ले सकते, एक नहीं लेने, उसके लिए अलग फार्मूला है। उसके लिए क्या फार्मूला है, एक तो टोटल लेटर कितने हैं, 4, तो 4 फैक्टोरियल तो नीचे आएगा, और कोई एक लेटर कितनी बार रिपीट है जैसे, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा। अगर इसमें सी 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 एक लेटर 3 और आ जाए, तो उसके नाम पे अलग से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से इसके फार्मूला, उसके लिए मैं बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। अगर माना हमारे पास कितनी वस्तुएं, माना एन वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनमें पी वस्तुएं एक प्रकार की, यू वस्तुएं प्रकार की, ठीक, आर वस्तु सी प्रकार की, ठीक है। हो सकता है कुछ अलग डी ई एफ इस तरह की हो, में एक ही वस्तु है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में जो अभीष्ट कर्मचय होंगे हमारे कितने बनेंगे, वो होंगे एक्स इक्वल टू टोटल फैक्टोरियल एन अपॉन 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल और फैक्टोरियल। समझ में आया, यानी कि टोटल अगर एन वस्तुएं दी हुई है, उनमें से
डी वस्तुएं एक जैसी हैं, क्यू वस्तुएं एक अलग जैसी हैं, आर क्यू ऐसी हैं, तो उनके सबके फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे। इसके लिए एक उदाहरण दो। क्वेश्चन है कि जॉर्ज के पास 8 सिक्के क्या हैं? आठ आठ सिक्के सिक्के हैं, इसमें 2 सिक्के तो हैं 25 पैसे के, 2 सिक्के उसके पास 50 पैसे के, और 4 सिक्के उसके पास 20 पैसे। वह इन सिक्कों को 8 छात्रों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को एक सिक्का मिले, तो बताइए इसके कितने धन? 2 25 के हैं, 2 50 के हैं और 4 20 पैसे हैं, 8 सिक्के हैं। वो 8 छात्रों में इस तरह बांटना चाह रहा है कि हर एक को एक सिक्का मिल जाए, कितने ढंग से वो बांट सकता है। इसका अगर फार्मूला देखते हैं, टोटल कितना है? 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4। इसे हल करेंगे इसका आंसर। इसे थोड़ा और एक्सपीरियंस और हम समझें। मान लिया हमारे पास कितने सिक्के हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सिक्के हैं। इधर ये 8 आदमी हो गए, ठीक है। इसमें अगर मैं आंसर निकाल लूं, 8 गुना 7 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 पेंसिल 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 6 5 30 दूनी 60 और 6 7 42 कितने आ गए? 420 प्रकार इसका आंसर है। अब समझाना क्या चाह रहा है थोड़े लिए कह रही है कि हमारे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 50 के दो और उसके बाद बाकी 20 पैसे, ठीक है। एक तो सीधा प्रकार ये है कि सबको इसको ये दे दे, एक प्रकार तो ये आया। देखिए इनका मैं नंबर करूंगा, नंबरों का स्टूडेंट में 25 पैसे इसे दिए गए, 25 पैसे इसे दिए गए, बात तो सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ध्यान ये रखें स्टूडेंट अलग है और वो कॉइन अलग है। इन दोनों में भी बात कर रहे हैं, ये 25 पैसे अलग थे, ये 25 अलग है। ये अगर इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर दूं तो एक प्रकार हो रहा जाएगा, एक पहला आता है एक प्रकार हो रहा है। तो हालांकि बात वही है कि दोनों 25 25 है, लेकिन कॉइन्स तो बदल गए। इसी तरह से 1 2 3 20 वाले, जो 20 का इसे दिया जा सकता है, इसे भी दिया जा सकता है, इसे देंगे, इस तरह से होगा। फिर 50 का ये ऐसे इंटरचेंज भी होंगे, फिर ये 25 का इसे भी दे सकते हैं, फिर अगली बार 25 का इसे भी दे सकते हैं, इस तरह से। ये टोटल जितनी पे मैं यही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कितनी ड्रॉ होंगी? 420। यानी कि ये ना सोचे कि 20 20 है, सिक्का तो बदल गया ना, इसलिए वो फैक्टर नीचे आता है। क्योंकि अगर ये सिक्के सेम ना हो, इसी कारण संख्या कम हुई, कोई वैल्यू इतना थी फैक्टोरियल 8, ये हजारों माप थी, ठीक ना। फिर
कौन साइड से हो आप? कौन सा गाँव है? सरसावा लोकल सरसावा ही है तो? हाँ, इसके बाद रुक कर भी है 7 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है, इलाहाबाद इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं? इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे? एक क्वेश्चन नंबर एक, कितने भिन्न भिन्न शब्द? ठीक है, दूसरा है कितने शब्दों में पहले वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, उसमें कितने भिन्न भिन्न शब्द बनेंगे इससे देखो। नहीं बात देखो, आप ये तो आप चीज को आप को देखने को देखना कुछ क्या फार्मूला को करवाना है। समझ में नहीं आ रहा? स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर में थे ना, शायद दिक्कत हुई। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, हमने क्या कहा? सबसे पहले आप परमुटेशन को, क्रमचय को समझो। क्रमचय है नहीं तो दिक्कत होती है, मतलब आप टॉपिक के स्टार्टिंग से ना हो और रेगुलर क्लास ना करो तो फिर चीज़ें स्किप हो जाती हैं। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने बेसिक लेवल से इंजीनियरिंग का यहाँ पढ़ाया जा रहा, कोचिंग सेंटरों में नहीं कोई पढ़ना है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, सीधा आपको आईआईटी जेई के क्वेश्चन कराने शुरू कर देंगे और वो आपकी समझ में नहीं आए। मैं तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। कर्मचय अगर हिंदी में देखते हैं, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, कर्म प्लस चय, यानी कि जब किसी चीज का हम चयन करें तो उसमें कर्म का ध्यान नहीं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए बी सी, इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं। ठीक, अब मैं कह रहा कि इनमें से अगर तीन का ही हम क्रमचय बनाए, तीन को छोड़ दो, तीन में से, तीन अवयवों में से दो अव्यय लेकर, दो अव्यय लेकर क्रमचय बनाए, दो अव्यय ए बी होगा, होगा नहीं, बी सी होगा और सी ए होगा, दो दो ए तो बनेंगे पेयर एक,
ए भी होगा, सी भी होगा और ई होगा नहीं। हालांकि इसमें भी ए भी है और इसमें भी ए भी है, लेकिन यहाँ दोनों का किसमें डिफरेंस है? ऑर्डर में, यानी कि क्रम में अंतर है, इसलिए ये सारे इसके क्रमशः होते हैं, क्योंकि तो इसमें क्रम का ध्यान रखा जाता है। क्लास में शायद आप भी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया एक सेट मैंने ए बी सी लिया, ठीक है, तीन अवयवों में से एक दो अवयव लेकर बने नंबर एक तो परमचय और दूसरा नंबर, दोनों चीज को डोगे ना इसमें, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन अंग्रेजी में, और इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, ठीक है, बाद में देखिए। इसी को हम कहीं ना कहीं एक अरेंजमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक। चीज वही है, कौन सी? तीन अवयव है, एक सेट है हमारे पास, मान लिया ए ग्राफ, और इसमें से दो अवयव लेकर कितने क्रमचय बनेंगे? क्रमचय मैंने आपको बताया, एक तो ए बी, बी सी, सी ए, बी ए, सी बी, छह बने। संचय में क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, सिर्फ दो दो के जोड़े बना, क्या बनेंगे? ए बी, बी सी और सी ए। संचय के लिए ए बी और बी ए सेम, बी सी सी बी सेम है, सी ए ए सी सेम, तो इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या कितनी आई? छह। इनकी संख्या कितनी आई? तीन। तो किसी भी एक क्वेश्चन के लिए, मतलब तीन अव्यय में से दो अव्यय लेकर अगर कोई पूछे क्रमचों की संख्या, जो क्रमचे होंगे संचय से बड़ा होगा नहीं होगा? क्रमचे संचय पढ़ते समय ये फिगर हमेशा अपने माइंड में रखो, ठीक। इसमें जो लिखते हैं हम कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु, मान लिया एन में से कितनी वस्तुएं लेकर? आर वस्तुएं लेकर बने क्रमचे, इसको तो लिख देते हैं एन पी आर, और इसको लिखते हैं एन सी ठीक है, और इसे लिख लो पहले। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन रहेगा कि संचय में क्या फार्मूला लगेगा, क्रमचय में क्या फार्मूला लगेगा, इसे लिख लो आप।
दूसरा, जैसे कि हमने कहा कि एन वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर ठीक है, ये संख्या वही होती है आर स्थानों को वस्तुओं से ठीक है, इसे एन के आर भी कहते हैं या कहीं कहीं हम ऐसे ही करेंगे इसको, जिसे आर स्थानों को एन वस्तुओं से भरना। ठीक है, एन पी आर हमारा जो फार्मूला होता है वो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर क्लियर। अब यहीं पे एन में से आर वस्तु लेकर कौन से, अगर एन में से सारी वस्तुओं को लेकर ही क्रमचय बनाए, मान लिया हमारे पास आठ वस्तु है, आठ को लेकर ही छह वस्तु छह लेकर क्रमचय बनाए, उसके हिसाब से क्या है जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, वन। एन पी एन यदि सभी वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाए जाए, एन वस्तुओं में से सभी एन वस्तुओं को लेकर अगर क्रमचय बनने हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है फैक्टोरियल, इसलिए तो हम जैसे वहाँ आठ लेटर देख रहे तो फैक्टोरियल आठ लिख देते हैं, छह फैक्टोरियल देख रहे तो छह लिख देते हैं।
ठीक है भाई। अब रैंडमली हम आपको एक मतलब लगभग शुरू से जो चीजें थोड़ी छोटी चीजें हैं वो बताता है आराम, ठीक है। पहले मैं आपको कहूँ हमारे पास अब दिए हुए 2, 3, 4, 5, 6 ठीक संख्याएं जितनी भी लिखी जाती हैं वो क्रम चय के रूप में ही लिखी जाती है क्योंकि उनका अपना क्रम का महत्व होता है। सर कैसे महत्व होता है, मान लिया अगर 2 को पहले लिखो 3 और 3 और 2 दोनों में एक लक्ष्य होता है, इसलिए संख्याओं में पता क्या चलता है, क्रम चय चलता है। ये 5 संख्याएं हैं ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इन 5 संख्याओं में से 5 अंक लेकर के कितने अंक लेने, 5 अंक लेने लेकर 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, भाई 5 ही अंक है संख्याएं लिख लो, 5 अंक है, 5 को लेकर 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती, सोचो। अब देखो संख्याओं में क्रम से चलता है, एक तो तरीका यह है 5 n का मतलब क्या था, फैक्टोरियल n था ना, ये आ गया। पांच चौक 20 के 60 100 का आंसर ये आ गया। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बने क्रमचों की संख्या, r स्थानों को n वस्तुओं से भरना। मान लिया हमारे पास कितने स्थान है, 5 ठीक, वस्तु भी किसी कारण हमारे पास 5 ही है, इस स्थान को भरने के कितने ऑप्शन हमारे पास, और इसको 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 एक वही जुगत हो जाएगा 120 क्योंकि इनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये उस कंडीशन में है जब अंकों की पुनरावृत्ति न क्या ना हो, पुनरावृत्ति है क्योंकि जब अगर पुनरावृत्ति नहीं है, एक अंक यहाँ के बैठ गया आगे कितने अंक बचे, 4 कोई आ सकता है, 4 में से 3 में से कोई आ जाएगा। अगर किसी कारण अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए यानी कि रिपीटिशन अगर होता है, इसको बढ़ने की जगह 5 अंक है और इसकी अगर पुनरावृत्ति कर रहे, मान लिया यहाँ 5 आ गया, क्या दोबारा 5 नहीं आ सकते, रिपीट तो कर सकते हैं ना, तो इसकी भी कितनी होगी और इसकी इसकी भी 5 की पावर 5 समझ गए। यही भी अगर इनमें से 4 अंकों की संख्या बनानी, इसे भरने के कितनी जगह होंगी, 5, इसको 4, इसको 3 और इसको 2, 5 20 किए 60 होंगे तब ठीक। अगर इसमें रिपीट करनी हो 5 5 5 5 5 4 आ गया ठीक है, 3 अंकों की होगी। अगर हमें 4 अंकों की अगर 3 अंकों की बनानी हो, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 5 20 दिए ठीक, 2 अंकों की बनाए, 2 अंकों के लिए कितनी कंडीशन होगी, इसके लिए 5 और इसके लिए 4 कितनी बनेगी, 20, और जो 1 अंक की देखे बना के तो कितने आ जाएंगे, 5 ही बनेंगे ना, एक बार बाहर ही लिखी जाएंगी ठीक है। यहाँ 5 में से 4 अंकों की संख्या लेके क्या बनाया हमने, 5p और यही वैल्यू आएगी
ये क्या है, तीन अंकों की तो 5p3 इसकी है वैल्यू, और ये 5p, ये एक ही क्वेश्चन मार्क हो सारी चीजें मेरे लगभग, इसमें काफी चीजें बता। सुन, दिल्ली शब्द है हमारा, अक्षरों को क्रम में रखने से कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक क्यों ना हो, मतलब इससे कितने शब्द बन सकते हैं, हमें ये नहीं देखना कि इसका अर्थ है या नहीं, बताओ। दिल्ली शब्द से शब्द बन सकते हैं,
शब्द दिल्ली के अक्षरों को क्रम से रखने से कितने शब्द बन सकते हैं, चाहे कोई शब्द निरर्थक क्यों न हो। ठीक ठीक है, यानी है, फाइव कि फाइव बी फाइव इक्वल टू फाइव, एप्पल। जितने इसमें लेटर हैं फाइव हैं तो उसके आगे हम फाइव फैक्टर दे रहे हैं। क्लियर है। अब यहीं पर अगर कोई अक्षर ऐसा हो वर्ड, अब यहाँ देखें डी बी ए का ई बी ए, यानी कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं, अगर कोई वर्ड रिपीट हो नहीं ठीक है, इससे कुल कितने लेटर बनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर तो कितना आएगा फैक्टोरियल 9, ए कितने हैं 4 और फैक्टोरियल एल कितने हैं, दो तो ये इसका आंसर हो से जाएगा क्योंकि रिपीट हो गए। भी सिंगल है ना, बी सिंगल वाले से कोई मतलब नहीं बी है, सिंगल जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं तो फैक्टोरियल आएंगे। मान लिया सब एक अखबार है, वन फैक्टोरियल के खत्म हमें लिखने से, अगर कोई दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए फिर फैक्टोरियल नीचे, समझ रहे। अगर किसी में लेटर सारे डिफरेंट है तो पूरा पूरा ग्रॉस फैक्टोरियल आ जाएगा, अगर उसमें कोई लेटर रिपीट है तो जितने लेटर कोई जितनी बार रिपीट है एक लेटर के लिए उतना ही फैक्टोरियल, एक 4 फैक्टोरियल ए के लिए 2 फैक्टोरियल एल के लिए आंसर है। अब पूछा आपने दूसरा उसमें पूछा था मुझसे कि सम स्थानों पर क्या आए 100, इसके कितने प्रकार हैं, सवर हैं कितने से, चार है, तीन यही है चारों कुल लेटर कितने हैं इसमें, 9 है ना। दो है, समस्थान कौन सा होगा, एक दो यही होंगे ना, 2 4 6 8। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे ए आ गया यहाँ, मान लिया क्योंकि सारे लेटर कितने हैं सेम, तो समस्थानों पर जो स्वर आने के जो प्रकार होगा वो, ये तो ए वन एक प्रकार ही हो पांच प्लस, ये कितने स्थान बचे, पांच, ये कितने तरीके से आएंगे, फैक्टोरियल पांच इनटू फैक्टोरियल वन समझिए, यानी कि 120 आ जाएगा सही। सर क्या मतलब पांच इसमें क्या है, ये चार जगह तो भर रहे स्वर के द्वारा, मतलब सर एक ही प्रकार हुआ इसका एक प्लस, इसको आगे कितने व्यंजन बचे हमारे, पांच, पांच तो इसे भरने के प्रकार कितना होगा, पांच पांच फैक्टर 2 4 3 2 1 1, फैक्टोरियल 5 आ गया। अब दोनों साथ साथ बनेंगे जब भी तो लेटर बनेगा, तो इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई होगी, किसी कारण यहाँ ए होता ये ई आई होता यहाँ ओ होता ओ होता, यानी कि चारों स्वर डिफरेंट होते तो उसकी जगह पे मल्टीप्लाई फैक्टोरियल पॉसिबल। ठीक है, तो जो हमने व्यंजन का निकाला ये 5 फैक्टोरियल आया ना, इसी के साथ अपन हम फैक्टोरियल टू किया है डबल एल 2 है। ठीक, तो आंसर डिफरेंस है सर, हाँ तो क्या फैक्टोरियल 5 दो कट जाएगा, 2 से 2 कौन सा कट जाएगा, दो फैक्टर कट जाएगा ना खोलने के बाद, हाँ ये कट जाएगा ऊपर से, सर तो 5 6 20 दिए 7 आ जाएगा।
कितना लिखो आप, 1 करोड़ से बड़ी। चलो एक मिनट छोटा भी, एक मिनट एक क्वेश्चन करो। 6 PR बराबर देखो आप, 6 PR अनुपात 6 P5 इक्वल टू 1:2, 1:2, ठीक है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालने का। क्या आंसर आया? क्यों होंगे इस तरह का तो क्वेश्चन? ट्वेल्थ में होना तो मैं कर ली, ट्वेल्थ कर ली तो वहाँ एनसीईआरटी पढ़ा रहे, कौन से पढ़ा रहे? नवीन देखिए इसमें दिया हुआ है 6 PR रेशो 6 P5 इक्वल टू 1:2 दिया, ठीक है।
अब इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6, 6 माइनस और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लिखिए 6 PR अपॉन 6 PY इक्वल टू 1/2 ठीक है 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल टू 1 फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल इसमें लगाया 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 5 फैक्टोरियल क्या जाएगा ठीक है तो क्या होगा ये 6 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू ठीक है देखिए अब यहाँ एक तरह से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड होगा क्योंकि ऐसा तो कोई तरीका इसमें है नहीं इसका फैक्टोरियल हटा दे कोई इक्वेशन बना के आर की वैल्यू आ जाए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं यहाँ 2 फैक्टोरियल है अगर यहाँ 2 फैक्टोरियल लगा तो कोई दिक्कत नहीं फर्क पड़ा उसके ना फैक्टोरियल यहाँ ठीक है आर की वैल्यू क्या रखो इसकी इसकी वैल्यू 2 हो जाए ठीक है सिर्फ 2 ले गए किधर ले गए 2 फैक्टोरियल साइड ले गए 6 माइनस 2 माइनस होने का नहीं वो सिर्फ हमें इमेजिन कर 6 में से अगर 4 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल बचेगा ठीक है अगर ज़्यादा ही करना है तो ऐसे कर लो 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल कैसे लिख ले 6 6 है तो आर की जगह तो 4 आएगा लेकिन ये करोगे तभी जब ये दिमाग में आएगा क्वेश्चन निकाल लो MP6 इक्वल टू 30 MP4 n का मान निकाल निकाल ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैं केवल मैथ मैथ की ट्यूशन ले लूं